खाली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहो बेटा खाली वजहत मियां खुदा मुबारक करे माशाल्लाह बच्चा तुम्हारा बड़ा जहीन है जी हां कबला आप बुजुर्गों की दुआ है लियाकत मियां दिखाई नहीं देते और सराफत मियां आदाबर था किबला जीते रहो बेटा बैठो हाँ। जब छोटे मियाँ को देखता हूँ तुम्हारे अब्बा मरहूम याद आ जाते हैं लो बेटा अमिता 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 बेटा सराफत यार लियाकत मियाँ को दूंगा रहे नाम अल्लाह का तेरे नाम ने झंडा गाड़ा बाकी सब गुल गपाड़ा अच्छा ले 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 ओहो शराफत मियाँ की डायरी अभी तक डायरी लिखने का भूत नहीं उतरा बारह अगस्त लियाकत भाईजान छह बरस के बाद आज तशरीफ लाए कम वक्त में मुझे भी रगेट डाला है आगे क्या लिखते हैं ओहो जनाब इश्क भी फरमाने लगे नाम अल्लाह आज उनकी मामा आई कि जीनत बीबी को बुखार आ गया जवाब में कहलवा दिया कि दर्द दिल की दवा करने वालों को तो बीमार ना होना चाहिए नाम अल्लाह यकम सितम्बर आज कबूतरों का फटता हुआ शुक्रिया पहुंचा मगर इस बुरी खबर के साथ कि रात को कमबख्त बिल्ली ने कबूतर को मौत के घाट उतार दिया उस पर सितम ये कि बिचारी कबूतरी ने अंडे भी दिए और अकेली अंडों पर बैठी हसरत से उदास घर को देख रही ऐसा मालूम होता है कि वो अपने कबूतर का इंतजार कर रही मगर वो तो इस दुनिया की दीवार से उड़ चुका है दूसरे कबूतर उसे अच्छी नजर से नहीं देखते बेवा है ना रहे नाम अल्लाह भाईजान आप मेरी प्राइवेट डायरी देख रहे हैं गलत बिल्कुल गलत कुछ प्राइवेट प्राइवेट नहीं बस प्राइवेट वो है जो दिखाई नहीं देता रहे नाम अल्लाह का भाईजान आपको सिबला हाजी साहब बुला रहे हैं मुझे हाजी साहब तो क्या फरिश्ते तक नहीं बुला सकते बेटा हाजी साहब को आदाब करो जी तो रहो बेटा खुदा तुम्हें भी मुझ गुनाहगार की तरह हज्जे बैतुल्लाह से मुसर्रफ करे और बेटा अपने अप्पा जान को भी आदाब करो अप्पा जान आदाब क्यों बेटा मिठाई उठाई मिली पीछे पीछे पीछे
कैसे हो? बेटा तुम्हारे चचा भी आ गए, आपको भी आदाब करो। आदाब। जीते रहो बेटा, मगर मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो नसीबों में लिखा होगा। बेटा नसीबों का लिखा तो नसीबन जानती होगी। तू भी इंसान। भाईजान आप हैं किबला हाजी साहब, वालिद मरहूम के दोस्त। दोस्त? गलत, बिल्कुल गलत। बेटा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ हाजी कुतुबुद्दीन वल्द हाजी फखरुद्दीन सुलेमानी, सज्जारा नशीन दरगाह हजरत मियाँ भूरे शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ हाजी चुट्टन, तुम्हारे अब्बा मरहूम का दोस्त। अगर आप अब्बा मरहूम के सच्चे दोस्त होते तो आप भी उनके साथ मरहूम हो गए होते, आखिर अब तक आप क्यों मौजूद हैं? सुन रहे हैं आप, और बुलवाइए। हुजूर छोटे मियाँ के ससुराल हिस्सा देने के लिए। और देखो हमारी तरफ से कहना कि आप लोगों की नानी की बहुत शिकायत है। बहुत अच्छा हुजूर। दीवान कहाँ जा रहे हो बेटा? चची जान के घर। चची जान के घर? देखो अपनी चची दुल्हन से कहना कि चचा कह रहे थे हमें रात भर नींद नहीं आती। अच्छा। तो मतलब ये कि आपने छोटे मियाँ की शादी चुपके चुपके कर दी और हमें दावत का रुका तक नहीं भेजा? नहीं कबला, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है, रुख्सती इंशाल्लाह इसी हफ्ते जाकर में होगी। लेकिन क्या करूं, जीनत की शादी में सिर्फ 9 दिन रह गए हैं और काम बहुत ज्यादा है। दीदी आपके न आने का सबको मलाल था। जीनत जीनत यहाँ देख तेरा दाकी आया है। क्यों बेटा बिस्मिल्लाह हो गई तुम्हारी? हाँ तो बीवी एक ही घंटे के लिए आ गई होती, कैसे आ जाती? शादी का मामला है, सब करना धरना हम ही को है। और भाई मैं तो लोगों से बहुत डरती हूँ, जरा कसर रह गई तो फौरन कह दे किसी का मुंह पकड़ लेगा। अब चलती काहे Thank you.
जी दुल्हन बहुत खुश हो। मुद्दत के बाद आज दूल्हा से मुलाकात होगी। जिसे की जलन हो रही है। ऐ जलन काहे की? मैं तो सोच रही हूँ उस छोकरे से तू बातें कैसे करेगी। तुझे साथ ले चलूंगी। जरा सोच लो, मुझे ले चलोगी तो तुम्हारा क्या हशर होगा। बेटी, शौहर की इताद को हमेशा अपना फर्ज समझ। लड़का एक घर का उजाला होता है और लड़की दोनों घरों की रोशनी होती है। तेरा टीका ससुराल की इज्जत और नथ के दोनों मोती माँ बाप की इज्जत, इनका ख्याल रखना। खुदा हाफ़िज़। आइए आइए, तस्वीर रखिए। बजा दिया। शुक्रिया शुक्रिया। मैंने कहा मोबाइल तुम्हारी तरफ से भी हो भाई। शुक्रिया। एक भाई का तो बहुत जलता हुआ। नाम अल्लाह। आइए आइए ना। आप ना उठिए। शुक्रिया। ऐसा ना हो तकलीफ ज्यादा बढ़ जाए। आप लेट जाइए ना, मैं आपकी मिजाज कुर्सी को ना आ सकी क्योंकि आप दुल्हन बनी हुई थी। मुझे आपकी मजबूरी मालूम है। जब आपके गिरने की खबर सुनी तो हम जीनत, किसी ने क्या खूब कहा है, आज की रात सागर दर्द न छेड़, ये आज की रात हमारी जिंदगी में फिर कभी ना आएगी। इसे दुख भरी बातों में जाया न करो, आओ मेरे करीब आओ। जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। तो फिर तुम्हें बिठाने के लिए मुझे उठना ही पड़ेगा और मेरी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी। हैं? तुम पैंती क्यों बैठी? मेरी जगह आपके कदमों में। जीनत, इस वक्त तुम कितनी प्यारी मालूम हो रही हो, लेकिन चांद अभी बादलों में छिपा है। अगर बादल हट जाए तो मैं समझा मुंह दिखाई देना तो मैं भूल ही गया। दीनत, ये मेरी मोहब्बत की यादगार है, इसे संभाल कर रखना।
आखिर ना माने। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लो गाड़ी नहीं लिखोगे भाईजान? तबीयत कुछ खराब सी हो रही है। रहे नाम अल्लाह। बर्फ मंगवाइए। देख नसीबन, घर में बर्फ मौजूद है। हाँ, अगर न हो तो बाजार से जल मंगवा दे। इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। मगर डॉक्टर साहब, रात को तो इनकी तबीयत बहुत अच्छी थी, अच्छी खासी बातें कर रहे थे। सुबह आकर देखा तो बेहोश पड़े थे। सेरिब्रल हेमरेज तो था ही, मगर एग्जेशन ने इनकी हालत और भी ज्यादा खराब कर दी। मगर साहब, ये तो यहां से हिले तक नहीं। बगैर एग्जेशन की ये हालत नहीं हो सकती। लिया, तुम तो रात भर यहीं थे, इनकी हालत कैसे खराब हुई? दिल की ठंडक से। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। देखा आपने, इन पर फालिज गिरा है। फालिज? हाँ, क्या नहीं करा। इनकी हालत ज्यादा खराब होती जा रही है। अब जान बचा करना। मेरा डॉक्टर तेरी खुदी बुलवा लीजिए। फालिज, इंटरनल हेमरेज की वजह से फालिज का असर ज्यादा है। इंजेक्शन तो दे दिया है, देखिए क्या असर होता है।
अस्सलाम वालेकुम। कहो भाई साहब, खैरियत है ना? कुछ ना तुमने, मैं घर छोड़कर चलाया। रहे नाम अल्लाह का। तुम्हारी जान की कसम, वहां के जितने लोग हैं, अरे लाहौल विलाकुवर, अब तुम्हारी जान कहाँ। खैर, वहां के जितने लोग हैं अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। कहते हैं रो, तुम्हारा भाई मर गया और तुम सिर्फ। अरे भाई, मैं भी क्या उनकी तरह बेवकूफ हूँ जो रोने लगूं? मैंने उनसे साफ कह दिया, जब वो पैदा हुआ था तब भी हंसता था, अब वो मर गया है अब भी हंसता हूँ, समझे? रहे नाम अल्लाह का। कहने लगे कि क्यों? मैंने कहा, पैदा करना मारना ये दोनों खुदा के काम है, और खुदा के कामों पर हमेशा खुश होना चाहिए, समझे? रहे नाम अल्लाह का। है? बेवकूफ, कब्र पर फूल चढ़ा गए। अरे दीवाने इतना नहीं जानते कि सुबह तक मुरझा जाएंगे, हैं? अरे हाँ भैया, वो तुम्हारी डायरी मैंने यादगार समझकर अपने पास रख ली। इसमें तुमने तो सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ। मगर कबूतर के मर जाने के बाद बेचारी कबूतरी का क्या हाल हुआ, ये कुछ नहीं लिखा। रहे नाम अल्लाह। अच्छा भाई, चल दिए, फिर आया करूंगा। अगर किसी चीज की जरूरत है तो कह दो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मेरे किस्मत में अंधेरा ही लिखा है। मेरे मालिक, आपने अपनी जीनत को दुल्हन बने हुए देखा था, काश अब इस काली चादर में भी देख सकते। दिन भर का गम इस उम्मीद पर सह लेती हूँ कि शाम को यहाँ आकर कुछ तसली मिल जाती है। आपने तो मेरी दुनिया ही बदल डाली। शायद मैं खुद ही एक मनहूसा हूँ जिसका हर झोंका खुशी को गम में, और जिसकी हर सांस रोशनी को अंधेरे में बदल देती है। लेकिन अब इस अंधेरे में भी एक रोशनी की झलक दिखाई दे रही है, आपकी मोहब्बत की निशानी, आपके बच्चे की बनने वाली। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। कहाँ जाऊँ? अपने माँ बाप के यहाँ, या उसके यहाँ जिससे तुमने अपना मुंह काला किया है। एक बार मुझे इस कमरे में जाने दीजिए जहाँ मैं दुल्हन बनकर आई थी। ये नहीं हो सकता, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ, जाओ। अच्छा। आए रे दुनिया, कितनी दिल आजार है दुनिया, कितनी दिल आजार है दुनिया, झूठों का दरबार है दुनिया। बस पड़े तो काम ना आए, लकड़ी की
तलवार है दुनिया, हाय रे दुनिया, कौन किसी का गम खाता है, कौन किसी का गम खाता है, कहने को गम खार है दुनिया, हाय रे दुनिया, कितनी दुनिया दार है दुनिया, झूठों का दरबार है दुनिया, हाय रे दुनिया। भाई आप शायद किए। अरे भाई तुम्हें लेटे लेटे क्या हुआ? अरे साहब इधर देखिए, इधर यूं शायद किया। अबे लियाकत ये तुम्हें क्या हो गया? अबे यार शराफत मरहूम की डायरी पढ़ा। इसमें कोई खास चीज लिखी है? यार क्या बताऊं, उसने शादी की रात का सारा हिस्सा इस डायरी में लिख दिया। यार जब ही मजे ले लेके पढ़ा हो तभी तो मैं कहता हूँ कि तुम भी शादी कर लो। देखो मियां सज्जाद, दोस्ती के ये मायने नहीं कि तुम मुझे हर वक्त छेड़ो। मैंने तुम्हें हजार मरतबा मना किया है कि सब कुछ कह लो लेकिन शादी का नाम ना लो, समझे? ये मुझे पसंद नहीं। हाँ यार ये शादी वादी की बात ठीक नहीं, ये घोड़े की सह बची है। बस यार बस अब जी नहीं चाहता। हाँ भाई लियाकत ये तो बताओ आखिर तुम्हें शादी से क्यों नफरत है? मैं फिर वही मुर्गी की एक टांग, हमें कोई दूसरी बातें करो, कसम खुदा की मैं तुम्हारे घर से चला जाऊंगा, कह देता हूँ। हाँ अच्छा भाई इस जिक्र को तो छोड़ो। हाँ ये तो बताओ ये जो तुम्हें नौकरी आई है इसे तुम क्यों नहीं करते? ये तुम्हारा सब पढ़ा लिखा डिग्रियाँ ये किस काम आएगी? आपसे ये दूसरी हिमाकत शुरू की। अरे भाई नौकरी करना गुलामी है गुलामी, और अगर कर ली भी जाए तो एक ना एक दिन छूट जाएगी, फिर करने से फायदा है? रहे नाम अल्लाह का। अच्छा घर वालों से न मिलने में क्या फलसफा है? आज एक साल हुआ एक शहर में रहते हुए तुम इन लोगों से नहीं मिलते, न तुम्हें उनकी कुछ खबर है न उन्हें तुम्हारी, बेचारे कितने परेशान होंगे। हमें छोड़ो भी यार, कौन किसके लिए परेशान होता है? मैं तो वहाँ सिर्फ शराफत मरहूम के लिए चला जाता था, अब वो मर गया है इसलिए उसकी खबर पर चला जाता हूँ। बेटी अब्बा को तस्लीम करो। हाँ ऐसे आपकी बेटी आपको तस्लीम करती है। क्यों अब्बा जवाब नहीं देते? न जियो कहा न सलामत रहो कहा। हाँ बेटा मरने वाले जीने की दुआ कैसे दे सकते हैं? बेटा अपने अब्बा से शिकायत करो, कहो आपने कयामत तक आराम करने के लिए मरने का बहाना ढूंढा, हमारी परवाह न की। आज आप होते तो हम आपके सीने पर सर रख कर सोया करते, अम्मी के सीने पर नींद नहीं आती, कलेजा बहुत जलता है। ऐसी अब्बा की शिकायत तुम्हें भी बुरी लगी? मेरे मालिक उसे शिकायत न समझिएगा, अपनी और इस मासूम की किस्मत का दुखड़ा रो रही हूँ। ससुराल के जुल्म से पनाह न मिली, बेके में पनाह ली, अब यहाँ भी चैन नहीं मिलता। Thank you.
ताने बर्दाश्त नहीं होते। मैं जा रही हूँ। Thank you.
जल्ले जलाल हूँ जल्ले शान हूँ वाला मियाँ क्या बात है तुम्हें कुछ नहीं से सब कुछ बनाया नहीं को हाँ बनाया रात से दिन बनाया और क्या कहूँ एक मुर्दे से जिंदा बनाया रहे नाम अल्लाह का अच्छा बिटिया तुम यहाँ लेट जाओ और मैं अभी आया तुम अच्छी लेती रहो अरे अब्दुल उसका बाहर लाओ भाई सज्जाद साहब अस्सलाम वालेकुम ये क्या ये बिस्तर वस्तर में क्यों बांधा भाई अब चल दिए कहाँ चल दिए अरे साहब आप ही लोगों ने तो नाक में दम कर रखा था कि नौकरी नहीं करते नौकरी नहीं करते अब मैं नौकरी करने जा रहा हूँ तुम और नौकरी रहे नाम अल्लाह का वाह भाई वाह आप क्या है चले मैं ये बच्ची कितनी उठाना है कसम खुदा की तुम लोग जिंदगी भर नहीं हमें ये बच्ची मेरी है और कितनी हो सकती मैं क्यों आंखों में धूल ठोक रहे हो न दूल्हा बने न शादी हुई तो ये बच्ची तुम्हारी कैसे हो सकती रहे नाम अल्लाह का हमें किस्मत में बच्ची का बाप बनना लिखा था वो पूरा हुआ तो बिटिया अब तू ही बता किसमें मैं क्या कर सकता हूँ और तू क्या कर सकती है कल बगैर औरत के बच्ची पैदा होते हुए आज ही देखा है अब भी नहीं समझे हमें ये सब उस नीली छतरी वाले की करामात है वही नीली छत वाला जो दिखाई नहीं देता मगर सब जगह मौजूद है इसके जुबान नहीं मुझे दे दो नहीं देता मेरी मर्जी यही तो मेरी चिड़ है जब तक मांगते जाओगे लड़की नहीं दूंगा कसम खुदा की नहीं दूंगा अच्छा बाबा मेरी लड़की अब कभी नहीं मांगूंगा अगर तुम लड़की दोगे तब भी नहीं दूंगा रहे नाम अल्लाह ये बात ले जाओ कसम खुदा की ले जाओ अब तो नहीं दूंगा हमें तुम्हें लेना पड़ेगा मैं कहता हूँ नहीं लूंगा कसम खुदा की अब तो जरूर लेना पड़ेगी वरना उठाकर पटक दूंगा तो वायदा करो अच्छा रहे नाम अल्लाह मेरी बिंती है मेरी मन्नू है माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आंखें हैं और कैसे पतले पतले हो चलो अल्लाह का शुक्र है हमें बच्ची तो दी देख लो बेगम तुमने 15 बरस कोशिश की एक चिड़िया का बच्चा ही पैदा न हुआ और यहाँ हमने सिर्फ 4 दिन कोशिश की और एक जीती जागती बच्ची पैदा हो गई जी हाँ बड़ा तीर मारा तुम्हारे श्री सौदाई प्रोफेसर ने बच्ची दे कैसे दी वो तो मानता ही न था बेगम ये न पूछो तुम्हारे इस हकीम ने वो आंसर फेंका कि प्रोफेसर उल्टा सर हो गया कि बच्ची लेना ही पड़ेगी मान गई ना बेगम हमारे जादू को इसी बात पर हमारी बलाएं तो दे दो बस बस अब इतराओ नहीं मालूम है मुझे बड़े जादूगर हो बेगम तुम तो ये न कहो वो दिन तो याद होंगे जब मैंने तुम पर जादू किया था मेरे लिए दसियों रातें आंखों में काट दी तीन तीन पाके कर डाले क्यों याद है ना हाँ हाँ सब कुछ याद है मेरी मन्नू है मेरी बेटी है अलेश गुलिया को किस नाम से पुकारा जाए अजी इसका कुछ नाम तो रखो अच्छा मैं अभी नाम निकालता हूँ अरे गूंगी एक कमाल जी अरे देख गूंगी कहाँ मर गई उसे कह बच्ची का दूध जल्दी ले आए वो करता सईदा नाम निकला सईदा अरे बड़ा प्यारा नाम है बड़ी सारसमंद बच्ची होगी अरे मेरी बेटी का नाम सईदा है आज से मैं तुझे सईदा बेटी पुकारूंगी मेरी गुड़िया का नाम सईदा है तू तो सईदा बेटी है तू तो सईदा है Thank you.
अरे भाई लियाकत, लड़की लेते देर नहीं तो उसकी माँ पैदा हो गई। वह नाम अल्लाह का। आप तो फरमा रहे थे ना उसकी माँ है ना बाप। बिल्कुल ठीक, मैं तो अभी यही कहता हूँ कि उस लड़की की कोई माँ हो ही नहीं सकती। बुलाओ वो कौन औरत है। ए अब्दुल, उस औरत को अंदर से बुलाओ। मगर वो औरत जो कहती है, बकती है, झक मारती है। हकीम साहब किबला, जिस तरह मैं और आप इस दुनिया के सामने अपने अपने बाप पेश नहीं कर सकते, इसी तरह वो बच्ची भी अपनी माँ पेश नहीं कर सकती। माफ कीजिएगा प्रोफेसर साहब, आप गधे। रहे नाम अल्लाह। जाहिर है हम लोग अपने बाप पेश नहीं कर सकते क्योंकि वो मर चुके हैं। हकीम साहब किबला, अगर हमारे वालिद साहिबान किबला मरहूमान, खुदा शायद उन्हें जन्नत नसीब करे, अगर जिंदा भी होते तो इस बात का क्या सबूत था कि वाकई वो हमारे बाप। अम्मा लियाकत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या बकरे हो? हकीम साहब किबला, तबीयत तो बाग बाग हो गई होगी। सच कहना, क्या बारीक बात निकली है। यानी आप जरा गौर फरमाइए कि जो बात इस दुनिया में सबसे ज्यादा साफ दिखाई देती है, दर हकीकत में वही बात सबसे ज्यादा उलझी हुई होगी। यानी कोई औलाद अपने बाप का सबूत दे ही नहीं सकती। क्यों नहीं दे सकती? जरूर दे सकती। हरगिज नहीं दे सकती। बाप का होना या ना होना औलाद का ना तो जाती तजुर्बा है और ना आंखों देखी बात है। उसे तो सिर्फ यकीन दिलाया जाता है, उससे कहा जाता है, मसलन बेटा छम्मन, ये मिर्जा पुत्तन तुम्हारे बाप है, इन्हें अब्बा कहा करो। बेटा छम्मन उन्हें अब्बा कहने लगते हैं। ये तो कोई सबूत नहीं। रहे नाम अल्लाह का। हकीम साहब किबला, इसी वजह से खुदा बंदे आलम रोज कयामत हिसाब किताब के वक्त अपने बंदों की शर्म रखने के लिए उन्हें उनकी माओ के नाम से पुकारेगा और आवाज आएगी, ओ मियां मौलवी अब्दुल कुद्दूस इब्ने मुसम्मात इस्मत आरा बेगम अपना मानामा लेकर इधर हाजिर हो। आया कल करीम में। रहे नाम अल्लाह का। हुजूर, वो औरत आ गई। यही वो औरत है। क्या नाम है तुम्हारा? हमने कहीं तुम्हें देखा है। हकीम साहब, मेरा दिल गवाही देता है कि इस औरत को मैंने कहीं जरूर देखा है। तुमने मुझे कहीं देखा है? जी नहीं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारी बच्ची है? अब तू नहीं बोलती कि तेरी बच्ची? जी नहीं, मेरी बच्ची नहीं। फिर क्यों बक रही थी कि मेरी बच्ची है? मेरी बच्ची भी ऐसी ही थी। जा निकल जा यहाँ से, पागल कहीं की। दूसरे की बच्ची को अपनी बच्ची बना लेगी? जा यहाँ से निकल जा, पागल कहीं की। हकीम साहब डांटिए ना, बेचारी मुसीबत ज्यादा मालूम हो। जाओ भाई जाओ। हकीम साहब, कुछ भी हो, मैंने इसे कहीं देखा जरूर है। मेरी सहेली, मैंने तुझ पे बहुत जुल्म किया, अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। बाप का साया फिर से उठ जाए तो माँ का सहारा होता है, लेकिन मैंने तुझसे वो भी छीन लिया। मेरी बच्ची, अब मैं तेरी माँ नहीं बल्कि आया हूँ। किस्मत ने मुंह पे मोहर लगा दी है कि अपनी बेटी को देख सकती है। मगर तुमने पूछा भी वो कौन है, क्या है, कहाँ की रहने वाली है? मैंने पूछा था मगर उससे बताना नहीं चाहा। मुझे तो किसी शरीफ घराने की मालूम होती है, बेचारी बहुत मुसीबत करता है। चलो अच्छा है, हमारी बच्ची को अपनी बच्ची समझकर अच्छी तरह पाले पोसेगी। इसीलिए तो मैंने रख लिया है। अब्दुल, जरा पानदान उठा। अरे जीनत, ओ जीनत, बच्ची को लाकर अब सुला दे। हम्म,
उठती है जब याद किसी की आती है, याद किसी की आती है, याद किसी की आती है। हाँ यारी निंदिया तुम्हारा तू न जा, नन्ही की आँखों में गुल मिल जा। यारी निंदिया मैके पहुंची तो सौतेली माँ ने भी वही बस चलने का इल्जाम लगाया। फिर क्या हुआ? उसके बच्ची पैदा हुई। अब तो सौतेली माँ ने उसका उठना बैठना हराम कर दिया। रात दिन के तान से तंग आकर वो खुदकशी पर आमादा हो गई और बच्ची को लेकर घर से निकल गई। शहर की अमानत शहर की कब्र पर डालकर खुद जान देने को चली। तो वो मर गई? नहीं बीबी, अभी जान देना ही चाहती थी कि ममता ने जोश मारा, कदम आगे न बढ़ सके और बच्ची की तस्वीर नजरों के सामने आ गई। भागती हुई कब्रिस्तान पहुंची, देखा तो वहां बच्ची मौजूद न थी। फिर बच्ची की तलाश में दर बदर शहर बशहर फिरना शुरू किया। आखिरकार एक नेक आदमी के हाथ से अपनी बच्ची मिली जिन्होंने उसे अपनी बेटी बनाया हुआ था। तो उसने अपनी बेटी वापस ले ली? नहीं, उसने अपनी बच्ची की बेहतरी समझी और खुद भी वही नौकर हो गई ताकि उसकी बच्ची उसकी नजरों के सामने रहे। फिर क्या हुआ? अब सो जाओ, फिर सुनाऊंगी। लो बेटी, पेट भर के खा लो। अम्मी जान, अब्बा जान आज नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं बेटी, तुम्हारे अब्बा के वो दोनों मुफ्तू फौजे खांसाब और मीरसाब आज सुबह ही सुबह आ धमके थे। तुम्हारे अब्बा ने उन कमबख्तों के साथ नाश्ता कर लिया है। लो बेटी, तुम्हारे बुंदे आ गए। क्यों बेटा, बिल्कुल हमीदा जैसे है ना? हाँ बजन, बिल्कुल ही वैसे हैं। सईरा बीबी, जस साहब की लड़की जमीला आई है। अरे बेटा, मैं भी देखूं। अब तो खुश हो गए? अजी, कभी हमें भी तो खुश किया करो। हाँ हाँ, तुम्हें भी बुंदे चूड़ियाँ मंगवा देती हूँ, पहन कर बैठो। वल्ला बेगम, इस वक्त तो तुम कह गई, आखिर बीवी भी तो हमारी हो। जी हाँ, आप ही की सोबत का असर है। सुना तुमने, अख्तर बुंदे 30 रुपए में लाया है? देखा, माशाल्लाह अख्तर कितनी सस्ती चीजें लाता है। और एक वो है तुम्हारे चहीते खान साहब मीठा, 5 रुपए की चीज है तो 10 रुपए बतलाएंगे। बेगम, तुम तो खामखा उनके पीछे पड़ी रहती हो। क्यों न पीछे पड़ू, आज 1.5 महीना हो गया मलमल के लिए रुपए दिए थे, न मलमल ही आई न रुपए वापस मिले। तुम अख्तर से कह दो एक खान मलमल का ला दी। बेगम, तुम भी कमाल करती हो, वो बेचारा यहाँ फांसी पढ़ने आता है और तुम दिन भर उसे काम कराती हो, ये ला दो वो ला दो वो ला दो, आखिर वो दिल में क्या कहता होगा। अरे वो मेरे बच्चे की तरह है, मेरे काम के लिए बुरा नहीं मानता। जीनत, देखो जी, मैं तुमसे 1000 मरतबे कह चुकी हूँ, मेरे इस मामले में दखल न दिया करो, मैं उसी से चीजें मंगवाऊंगी। अच्छा बाबा, अच्छा। बच्चिया कौन है? हकीम साहब के कॉलेज में पढ़ता है, यहाँ उनसे फारसी पढ़ने आता है। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? बहुत अच्छा लड़का है। क्या मतलब? सईदा माशाल्लाह से जवान हो गई है, अख्तर और सईदा का जोड़ा। चुप रहो, तुम कौन होती हो इस मामले में बोलने वाली? दीदी, मैंने सईदा को 15 बरस अपनी बच्ची की तरह पाला है। तो तुम माँ बन गई? नहीं नहीं, माँ तो नहीं, मैं तो आया हूँ। हम माँ बाप के होते हुए तुम्हें क्या हक है? आपको बुरा मालूम हो, मैं माफी चाहती हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई बिजली बिजली नहीं मारता।
नहीं बेटा, ये तो अभी अभी बड़ी जोर की बिजली मार रहा। हाँ हाथ तो लगा के देखिए। हाँ हाँ घबराइए नहीं। है? अरे सौगा, तुम्हारे अक्सर बुद्धू के पीछे। अमीजा, अरे बेटी रेडियो तो बिजली नहीं मारता। नहीं नहीं अमीजा, बड़ी जोर से बिजली मारता है। बेटा मैंने छूकर देखा है। हाँ? खालाजन मैंने बड़ा स्विच बंद कर दिया। अजी सुनती हो? क्या रेडियो बताते हैं आप? चाहते हैं आपके हाथ सुनी। अरे साहब ऐसी किस्मत कहाँ? किस्मत तो आपकी अच्छी है, मगर आप जरा बुद्धू हैं बुद्धू। क्या मतलब आपका? आपने तो सारा भांडा ही तोड़ दिया था। रेडियो बिगड़ा बिगड़ा नहीं, ये सब आपको बुलाने की तरकीब थी। तब तो मुझसे बहुत गलती हुई, मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा अब आइंदा ऐसी गलती ना कीजिएगा। जी नहीं, अब कभी नहीं ऐसी गलती होगी। लीजिए पान। मैं इस हाथ से पान नहीं लेता। मैं जानता है हाथ की भी कैसा हूँ। उनके हाथों में मेहंदी लगी है। मगर मुंह में मेहंदी तो नहीं लगी, कुछ बोल तो सकती हैं। उन्हें मारे शर्म के पसीने चले आ रहे हैं। तो फिर मजबूरी है, मैं पान भी नहीं खाऊंगा। कुछ बोलो। तो खुदा के लिए कुछ बोलो, उचित हो गई है। आप पान खा लीजिए, मैंने ही बनाया है। तो फिर अपने हाथ से इनायत भी कर दीजिए। अगर आप ऐसी बेकार चीज करेंगे तो आइंदा रेडियो कभी नहीं बिगड़ेगा। खुदा के लिए नाराज ना हो, मैं पान खा लेता हूँ। लाइए साहब आप ही अपने हाथ से दे दीजिए। ये हाथ भी कुछ ऐसा बुरा तो नहीं है। हाय फिक्कार, अल्लाह जानता है आप बड़े दुनियत है। बुरा ना मानिए, अपना समझने कहा है। आइंदा जब मेहरबानी करने को जी चाहे रेडियो फिर खराब कर दीजिएगा। देखिए देखिए अभी जमा रही। क्यों ठीक हो गया बेटा? चची जान ये तो वाकई बड़े जोर से बिजली मारता, उस वक्त तो मैं समझा ही ना था। अब समझ गए बेटा? जी बिल्कुल समझ गया। चची जान इसमें तो अभी एक घंटा लगेगा, आप क्यों तकलीफ करती हैं? जरा मैं भी देखूं क्यों बिजली मारता है। देखिए। अरे जुम्मा जरा पानी तो पिला। कहाँ से आ रहा है बेटा, खाना तमाम ठंडा हो गया, खाने तो घर में मौजूद रहना चाहिए। अम्मी जान एक दोस्त के यहाँ चला गया था, देर हो गई तो खाना वहीं खा लिया। बेटा ये आदत अच्छी नहीं। ये इतने सारे पान किसके लिए लगा रही हैं आप? जमीला की सहेलियाँ आ रही। कौन कौन सहेली आ रही? मेरी सहेलियों से आपसे कोई वास्ता नहीं, और अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाए, यहाँ पर्दा रहेगा। अच्छा मैं चला जाता हूँ, मगर ये तो बता दो तुम्हारी कौन कौन सहेली आ रही है। मैं नहीं बताती। मल्लाह जमीला तुम्हारा भाई अब जादूगर बन गया है। भाईजान बर्फ बहुत रखी है, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लीजिए। तो तुम्हें यकीन नहीं, कहो तो तुम्हारी किस्मत का हाल बता दूं। अच्छा बताऊं कि तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली कौन है? हाँ बताइए। जोरा मुश्तरी अदालत हकीम साहब की लड़की सईदा, ठीक है ना? वाह ये तो आप पहले से ही जानते हैं। अच्छा हम सईदा के बाबत एक बात और बताएं, सईदा इस कुर्सी पर कभी नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी? हमारा इल्म कहता है कि सईदा की पैदाइश और उस दरख्त की पैदाइश का वक्त जिसकी लकड़ी से ये कुर्सी बनी है आपस में नहीं मिलता, इस वास्ते सईदा इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। शर्त लगाते हैं आप? हुई 20-20 रुपए की मंजूर। अरे बेटी जमीला यहाँ तो आ। जमीला मैं फिर कहता हूँ तुम ये शर्त हार जाओगी और सईदा इस कुर्सी पर नहीं बैठेगी। बैठेगी। Thank you.
बादल ने गे तू खोला, बादल ने गे तू खोला, बनमत चमकी हा बोला, होरे ने साज उठाया, कोयल ने गीत सुनाया, चंदन का दिल भरवाया। चुलबुलापन तो कूट कूट के पड़ा है, क्या सूरत पाई, मालूम होता है अल्लाह मियां ने अपने हाथ से बनाई है। हर अदा मस्ताना, सर से पांव तक छाई हुई, उस तेरी काफी जवानी जोश पर आई हुई। ये क्या हो रहा है भाईजान? कुछ नहीं, जरा आयना ठीक कर रहा था। शर्म नहीं आती आपको? क्या इसीलिए शर्त लगाई थी? मैं ज्योतिषी बन गया हूँ, मैं जादूगर बन गया हूँ। सईदा यहाँ नहीं बैठेगी, वहाँ नहीं बैठेगी, ये कहाँ की शराफत है? अगर मेरी कोई सहेली देख लेती तो फिर तुम हकीम साहब से मेरे इसकी बातचीत की हो। अम्मी कुछ सोचा? अजी तुम्हें तो हर वक्त सईदा की शादी की फिक्र रहती है, और यहाँ मैं अपनी शादी के लिए बुला जा रहा हूँ। खुदा खैर करे, बूढ़े मुँह वहाँ से और लोग चले तमाशे। अभी तक अरमानों में आग लगी हुई है, करो शौक से करो, दूल्हा बनो मेरी जूती से। तुम गुस्सा ना करो बेगम, सुनो, मेरा मतलब ये है और शक्ल उसकी ये है। मेरा जी चाहता है एक दफा मेरा तुम्हारा ब्याह फिर से हो जाए। आखिर ये क्यों? ये इसलिए कि हमारा तुम्हारा ब्याह 30 साल का पुराना होकर फुसफुसा हो गया है। जी चाहता है एक दफा फिर तुम सेहरा बांधकर, घूंघट निकाल के, सोहे का जोड़ा शिलंगे भरा पहनकर, शर्माई शर्माई पसीने पसीने दुल्हन बन के बैठो। अल्लाह से अरमान। सच कहना बेगम, नक्शा खींच दिया कि नहीं? हाँ हाँ खींच दिया। अब परीने से बात करो, अफजल के बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं, मैं मान नहीं जा, तुम आओ तो सही। ना बाबा, मुझे वहाँ शर्म आती है। अच्छा तुम यहाँ ठहरो, अम्मी जान से मैं पूछ कर आती हूँ। मुझे तो अक्सर पसंद है भाई। ईमान की बात ये है,
अख्तर तो मुझे भी पसंद है। माशाल्लाह, सईदा और अख्तर का जोड़ा खूब रहेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि न तो हम अख्तर से बात कर सकते हैं, न उनके वालिद के पास भी पैगाम भेज सकते हैं। हम ठहरे लड़की वाले। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो। अब सवाल ये, अख्तर के घर कैसे पैगाम आए? अरे, ये जो दोनों तुम्हारे मुफ्त खोरे खाता मीसा आखिर किस मर्ज की दवा है? उन्हें भेजो, जाकर कोई ऐसी तरकीब करें कि उधर से पैगाम आए। बैठे बैठे हराम की खाते हैं, आखिर कुछ करें तो सही। वाह बेगम वाह, कसम खुदा की क्या बात कही है। और मैं जरा तुम्हारी बनाए ले लूं। जमीला, है ये तुम्हें क्या हो गया? जमीला, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ जमीला। मैं भी तो सुनूं क्या बात है। बा मुसलमान अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मगर अख्तर मियाँ, ये फारसी आप ना पढ़ा कीजिए। इसलिए कि तुम्हारी समझ में नहीं आती। जी नहीं, ये बात तो नहीं, आपकी दुआ से समझ तो खूब लेता हूँ, मगर फारसी से जरा डर मालूम होता है। देखिए, हमारे मीर साहब ने भी एक जमाने में फारसी पढ़ना शुरू कर दी थी, बस थोड़े दिनों में तेल बेचने लगा। लाहौल मेरा खुद। देखा भाई मीर साहब, आज तो सचिन साहब की दीदी किस कदर तकल्लुफ में पड़ जाती। देखिए, वो शरबत भेज ही तो दिया। लाओ। ए बेर, अरे लाओ तो हम। क्या शरबत है अख्तर मियाँ, थोड़ा सा इनकी नजर का फेंक दीजिए वरना हजम ना होगा। खुशबू भी खूब है भाई। अरे भाई खान साहब, भाई बेगम तुम दोनों की शिकायत कर रही थी। दूर क्या? क्या बात है? अल्लाह, क्यों अख्तर मियाँ, ये गायब तुम्हें क्या हो गया? हकीम साहब, पेट में सर दर्द हो रहा है। आए मरा। ए जमान, वाह अभी तक तो ये अच्छे खासे बैठे हुए थे। देखो अर्क हाजिम की ये खुराक जल्दी से ले आओ, बहुत अच्छा होगी। मीर साहब, जब ये दवा पी ले तो इन्हें आराम से मेरे कमरे में लिटा दो। बहुत खुश। हुजूर, कभी कभी मुझे ऐसे ही दर्द हुआ करता है। आप कॉलेज तशरीफ ले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें आज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं आराम करो। हुजूर, अब कुछ कम मालूम होता है। लो ये अर्क पी लो, बिल्कुल कम हो जाएगा। अल्लाह, अरे ये तो गुस्से ही चले आ रही है। माफ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल खबर न थी कि इधर पर्दा है। पर्दा तो खैर नहीं, मगर ऐसी बेपर्दगी। बिजलियाँ जरूर आंखों के सामने चमक गई। खुदा खैर करे, ये एक की जगह दो कब से हो गई। मुझ पर तो आप इनायत ही रखी है, मैं न बिजली न पानी न आंधी न तूफान। खैर, ये तो आपकी इंतजारी है, वरना है तो आप सब कुछ। खैर मैं सब कुछ सही, मगर आपके लिए नहीं हूँ, इत्मीनान रखिए। देखिए, सईदा आपसे कुछ कहना चाहती है। हाँ हाँ, शौक से फरमाए, मैं दिल पे हाथ रखे लेता हूँ। आओगी? आओ। बोलो। आज अब्बा जान और अम्मी जान आपके और मेरे बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे। क्या? अम्मी जान और अब्बा जान आपको बहुत चाहते हैं। तो फिर उनसे कहिए मुझे गुलाम बना के अपने घर में रख लें, मैं उनकी साहबजादी का सर दबाया करूंगा। जी नहीं, उनका इरादा है कि मुझे आप पिलौंडी बना दें, इसीलिए अब्बा जान आसाब साहब को आपके वाले के पास भेजने वाले हैं। वो किस लिए? आए हाय, बड़े भोले हैं बेचारे, ये कैसे समझेंगे।
माफ कीजिएगा, अगर भोला ना होता तो शिकार कैसे होता। खैर उनसे कह दीजिए कि मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, बस घर पहुँचने की देर है कि मामला सब दुरुस्त हो जाएगा। जी नहीं, आपको घर जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। ऐसा गजब भी ना कीजिए, अगर इस मरतबा छुट्टियों में घर ना पहुँचा तो अब्बा जान को जरूर शक हो जाएगा और ये सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अच्छा तो आपको इस शर्त पर घर जाने की इजाज़त मिलती है कि हर रोज एक खत लिखिए। अच्छी बात है जो हाकिम कहो, मगर हुजूर आपको खत किस पते पर भेजूं? मैं बताऊं? देखिए आप हकीम साहब के नाम भेजिया करें कि अपनी दुख्तर नेक अख्तर को ये खत पहुंचा दे। ये तुम्हें क्या गया? क्या होगा? अरे ये कम्बक फिर आ गए, एक बात समझ में आ गई, मैं खत अपने पते पे लिखा करूंगा। आपके यहाँ मेरा नौकर पिछली खिड़की में डाल जाया करेगा। अच्छा खुदा हाफ़िज़। अपने वादे के मुताबिक आज ही तक लिख रहा हूँ। खुदा की कसम सईदा, बिना तुम्हारे घर पर देश से बरसत हो रहा है। ये डाक में डाला। साहबजादे के करतूत, मैं भी कहूँ पहली छुट्टियों में ये घर क्यों नहीं आया? कुछ मालूम भी तो हो, आखिर हुआ क्या है? साहबजादे इश्क फरमा रहे हैं। हाँ लो सुनो, अपने वादे के मुताबिक आज ही खत लिख रहा हूँ। क्या बात है? खुदा की कसम सईदा, बिना तुम्हारे घर परदेश से बदतर हो रहा है। कमबख्त शहर बन रहा है, मेरे पहुँचने से एक दिन पहले रेडियो खराब कर देना ताकि दर्शनों में देर रहूं। कुछ रेडियो का मामला है, रेडियो का। अम्मा नाश्ते के लिए बुला रही, बहुत बुरे वक्त बुला रही, सुन लिया तुमने? अरे खुदा गारत करे, ये सईदा कौन है? ये तुम उसी से पूछो। फिर अब क्या होगा? मैं क्या बताऊं? खुदा के लिए जल्दी से इसकी शादी का बंदोबस्त कीजिए, वरना लड़का हाथों से निकल जाएगा। शादी? अब माशाल्लाह तुम्हारी शादी हो जाएगी, अब तुम ससुराल चली जाओगी। ससुराल ना जाना चाहिए? जाना चाहिए, लड़की का असली घर तो ससुराल ही है। तो फिर जब तुम ससुराल चली जाओगी तो मैं भी यहाँ ना रहूंगी। क्यों, तुम यहाँ क्यों ना रहोगी? तुम चली जाओगी तो मेरा दिल बहुत घबराएगा। 15 बरस तुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा है। अच्छा तो तुम मेरे साथ चलना। सच दीदी, तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? हाँ हाँ जरूर ले चलूंगी, मुझे भी तुमसे बहुत अच्छा है। हाँ यार, बात मत कर, तो मुझे तुम पर इतना प्यार आता है कि मैं तुम्हीं को अपनी माँ समझने लगती हूँ। माँ ना दीदी, तुम्हें ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए, तुम्हारी माँ तो बड़ी बेगम है, मैं तो तुम्हारी आया हूँ। आया? तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों है? मेरी बेटी भी तुम बेटी है मुझे। असलाम क्या है?
सईदा, तुम तो मजाक करती हो। नहीं दीदी, मैं सच कहती हूँ। अच्छा तुम अब है कहाँ? दीदी मेरे पास। तुम आप फिर तुमने मजाक किया। अरे मैं तो तुम्हारी असली बेटी का पूछती हूँ, असली बेटी। मैं अभी आती हूँ। तो बेगम मुबारक हो, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई। ये रुका आ गया। अच्छा रुको, अभी सईदा की शादी के लिए कहाँ से आया? अरे भाई बोली, जिसके लिए मिर्जा साहब को अब तक के वालिद के पास दिल्ली भेजा था। अख्तर के वालिद का रुका? तो अब तक तुम क्या सुन रही थी? कह तो रहा हूँ कि अख्तर के वालिद का रुका आया है। तो इसका मतलब ये है उनको ये रिश्ता मंजूर है? बेगम बाद मरतबा तुमको अजीब बात करती है। अरे उनका रुका भेजने का मतलब ही ये है तो उनको अख्तर की शादी सईदा से मंजूर। अब उन्होंने पूछा है आया हमें भी मंजूर है ये नहीं। हमें मंजूर न होती तो उन दोनों मुक्त खोरों को क्यों भेजते? लोग शादी ब्याह करते हैं, उम्र अपनी तबाह कर। वाह भाई वाह, तो हाँ नंदा क्या कहने। जब अमीर साहब मैंने तुम्हें हजार दफा कहा है कि मेरे मामले में दखल ना दिया। मालूम होता है दिमाग खराब। लाइए क्या कहा तुमने? अभी अभी तुमने क्या कहा? तो आपकी तारीफ कर रहा था बल्ला। माशाल्लाह क्या शेर पढ़ाया। तुम क्या समझो शेर को? बात तो सच्ची है प्रोफेसर साहब, मगर क्या शेर पढ़ाया आपने? सुबहानल्लाह आपका पढ़ना तो कयामत है बल्ला, मुझसे भूल जाऊंगे। बेवकूफ कहीं के मुंह में फूल कहाँ से आ गए? अरे बेवकूफ, मुंह में दांत होते हैं, जुबान होती है, थूक होता है, फूल किधर होते? बस खामोश। शांति कहीं का। अरे भाई लियाकत भैया बड़े अच्छे मौके पर आए। ये अच्छा मौका बुरा मौका क्या? अभी तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी? क्या किसी ने जन्नत की तरफ सफर किया? लाहौर तरफ ऊपर दिखा था। लो देखो। क्यों देखो? नहीं देखता। किसका है, क्यों आया है, कहाँ से आया है, क्या लिखा, क्या दलील है? तो खा नंदा फिर तुम बोले। चलो बाजा दफा मना किया कि बीच में बोला। अख्तर के वालिद का खत है, शादी का रुका है। शादी का रुका? और मैं देखूं? हम कयामत तक नहीं देखूं। अगर चुपागल हुए हो तुमसे राय लेना है तो देखो। मैं कहता हूँ हटाओ हटाओ, हम हटाओ, कसम खुदा कि मैं नहीं देखूंगा। तुम्हें देखना होगा। मैं कहता हूँ मैं शादी का रुका कभी देखते ही नहीं। मगर मैं कहता हूँ तुम्हें देखना होगा। अच्छा तो मैं जाता हूँ। अरे भाई बात तो सुनो। वही दबा खराब मम्मी का सामान कितना अच्छा देता, अच्छी अंगूठी तुम्हारे होते हुए तुम्हारा ये यकीन मरकर भी पूरा नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, शादी की तारीख 9 शव्वाल मुकर्रर हो चुकी है, अब सामान जल्दी तैयार करो। अजी सब कुछ हो चुका। बहुत भला मालूम होता है। मेरी आया, मेरी प्यारी आया। ah
अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? अरे आप तो नहीं मालूम, हकीम साहब की लड़की की शादी हो रही है। वो जो छोटी मिलन साहब है ना, उनकी शादी हो रही है। सईदा की? हाँ हाँ। किसके साथ? वही अख्तर मियाँ के साथ। अख्तर मियाँ के साथ? अरे आप ठोट में तो पड़ रहे, शायद आपको शादी में नहीं बुलाया। माशाल्लाह मेरी बीवी कितनी अच्छी लग रही है। जी क्या आया? मेरी तरफ से ये अंगूठी। नहीं नहीं आया, मैं ना लूंगी। सईदा बीबी मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं था जो मैं तुम्हें देती। नहीं आया, ये तुम्हारे शोहर की निशानी है, मैं ना लूंगी। दीदी तुम मुझे उससे भी ज्यादा अजीज हो, लो पहन लो। नहीं आया, ये तुम्हारे शोहर की अंगूठी है, ये तुम ही रखो, समझो कि मैंने पहन ली। अरे दीदा तस्लीम आदा आदा, आइए आइए बहन, आइए 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 बहन। मेरा कलेजा ठंडा किया, तेरा लाख लाख मैं अपनी बच्ची को परवान चढ़ते देख रही हूँ। परवरदिगार तूने मुझ बेकस पर रहम किया, आज मेरी बच्ची इज्जत और आबरू से अपने घर जा रही है। खुदावंदा तू हमेशा उसे खुश रखियो, वो अपने घर में फूले फले आबाद रहे। ऐ रब्बुल इज्जत तू हकीम साहब और उनकी बीवी को इतना नेक बदला दीजिए, उन्होंने मेरी बेटी को। लेकिन मैंने उसे बेटी की तरह पाला है और मेरी जायदाद की भी वही वारिस है। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन निकाह तो आपके नाम से नहीं हो सकता, लड़की के बाप का नाम बताइए। बेशक लड़की के बाप का नाम बताना चाहिए, वरना निकाह तो जायज ना होगा। लड़की के बाप का नाम लियाकत हुसैन था, यह आपने पहले क्यों ना बताया? कोई बात नहीं बताती हैं, लड़की हकीम साहब की नहीं तो उनके किसी अजीज की होगी। कई साहब आप निकाह सोचती हैं, बैठा बताती हैं। بسم الله الرحمن الرحيم اختر حسین والوجاہت حسین تمہارا نکاح سیدہ بانو بنت شرافت حسین کے ساتھ بے وقت مہر 10,000 روپے سکہ رائج الوقت قرار پایا تمہیں منظور ہے؟ کہیے قائد صاحب، حکیم صاحب کون شرافت حسین کہاں ہیں؟ وہ تو مر چکے مگر وہ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے؟ دہلی کے ایک معزز خاندان سے تھے۔ دہلی کے ایک معزز خاندان سے؟ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ یہ میں کچھ نہیں جانتا، گھر میں لڑکی کی ماں موجود ہے، وہ بتا سکتی ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ زینت۔ زینت؟ حکیم صاحب آپ نے مجھے دھوکہ دیا، سائی صاحب یہ شادی نہیں ہو سکتی، اختر یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سنا تم نے، مصیبت پر مصیبت پڑ رہی ہے، اس لڑکے نے تو مجھے پاگل بنا دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب حکیم صاحب نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ سعیدہ ان کی بیٹی نہیں ہے۔ ہاں پھر کس کی بیٹی ہے؟ باپ کا نام شرافت اور ماں کا نام زینت بتایا جا رہا ہے۔ زینت؟ ہاں ہاں میرا خیال ہے وہی زینت ہے، تم جا کے دیکھو تو، اگر وہی کمبخت ہے تو یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے زینت کون ہے؟ میری آیا ہے، ذرا بلائیے۔ کیوں خیریت؟ ذرا بلائیے تو۔ زینت، او زینت،
जी जी हाय कमबख्त तू ही है भाभी। अरे नागन हमें डसने के लिए इस तरह घात लगाए बैठी थी, ये जाल फैला रखा था, एक बार हमें रुसवा करके तेरा दिल ठंडा ना हुआ कि ये नई साजिश की और एक नए तरीके से हमारी इज्जत बर्बाद करने पर तुल गई। क्या हुआ बेगम, आप इसे जानती हैं? अच्छी तरह से जानती हूँ और आप लोगों को भी जान लिया, मुझे ये मालूम नहीं था शरीफों में भी ये चाले चली जाती है। भरी बरात में आपकी साजिश खुल गई। साजिश कैसी? ओहो आपको कुछ मालूम ही नहीं, आपने जाहिर किया था कि सईदा आपकी बेटी है और वो लड़की इस चुड़ैल की है, आप लोगों ने इस कदर हमें धोखा दिया, हमारी इज्जत बर्बाद करना चाहिए। मैं अपने लड़के की यहाँ शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। इसलिए कि सईदा जीनत की बेटी है, जीनत की लड़की तो सिर्फ नाम की है, वरना हमने खुद सईदा को पाला पोसा है। आपको कुछ मालूम भी है कि सईदा के बाप का पता नहीं है? मगर इसने अपने शोहर का नाम शराफत हुसैन जो बताया था। ये कमबख्त यही तो चाल चलती है, उस मरहूम का नाम लेकर अपने गुनाह छुपाया करती है। मगर ये आप कैसे कहती हैं कि सईदा शराफत की लड़की नहीं? शराफत मेरा देवर था और ये उसकी बेवा है, ये डायन तो उसे आते ही खा गई और उसके मर जाने के बाद कहीं और मुंह काला करके ये लड़की पैदा की। बीवियों सुन लिए आप लोगों ने इसके करतूत? तो इसमें सईदा बेचारी का क्या कसूर, वो अपने पैदा होने की जिम्मेदार तो नहीं? इस फेल की जिम्मेदार तो जीनत है। कोई भी हो मैं जानबूझकर कुएं में नहीं गिरना चाहती, जिस औरत ने हमारे खानदान की इज्जत पर इतना बड़ा धब्बा लगाया हो मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बनाऊं, भूली हुई बदनामी को फिर से ताजा करके खानदान में थूथू कराऊं, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, बारात वापस जाएगी। लेकिन मैंने उसे बेटी की तरह पाला है और मेरी जायदाद की भी वही वारिश है। ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन निकाह तो आपके नाम से नहीं हो सकता, लड़की के बाप का नाम बताइए। बेशक लड़की के बाप का नाम बताना चाहिए वरना निकाह तो जायज ना होगा। लड़की के बाप का नाम राफत हुसैन था, ये आपने पहले क्यों ना बताया? कोई बात नहीं बताती, लड़की हकीम साहब की नहीं तो उनके किसी अली की होगी। भाई साहब आप निकाह सुनती बैठा बताती हैं। بسم الله الرحمن الرحيم اختر حسین والوجاہت حسین تمہارا نکاح سیدہ بانو بنت شرافت حسین کے ساتھ بے وقت مہر 10,000 روپے سکہ رائج الوقت قرار پایا تمہیں منظور ہے؟ میرے قائد صاحب حکیم صاحب کون شرافت حسین کہاں ہیں وہ؟ وہ تو مر چکے مگر وہ کون تھے کہاں کے رہنے والے تھے؟ دہلی کے ایک معزز خاندان سے تھے۔ دہلی کے ایک معزز خاندان سے، ان کے والد کا کیا نام تھا؟ یہ میں کچھ نہیں جانتا، گھر میں لڑکی کی ماں موجود ہے وہ بتا سکتی ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ زینت۔ زینت؟ حکیم صاحب آپ نے مجھے دھوکہ دیا، قائد صاحب یہ شادی نہیں ہو سکتی، اختر یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ सुना तुमने, मुसीबत पर मुसीबत पड़ रही है, इस लड़के ने तो मुझे पागल बना दिया। अब क्या हुआ? अब हकीम साहब ने हमें धोखा दिया है, ये सईदा उनकी बेटी नहीं है। हाँ? फिर किसकी बेटी है? बाप का नाम शराफत और माँ का नाम जीनत बताया जा रहा है। जीनत? हाँ हाँ मेरा ख्याल है वही जीनत है, तुम जाके देखो तो, अगर वही कमबख्त है तो ये शादी नहीं हो सकती। आपके जीनत कौन है? मेरी आया है, जरा बुलाइए। क्यों खैरियत? जरा बुलाइए तो। जीनत, ओ जीनत। जी आई। जी जी हाय कमबख्त तू ही है भाभी। अरे नागन हमें डसने के लिए इस तरह घात लगाए बैठी थी, ये जाल फैला रखा था, एक बार हमें रुसवा करके तेरा दिल ठंडा ना हुआ कि ये नई साजिश की और एक नए तरीके से हमारी इज्जत बर्बाद करने पर तुल गई। क्या हुआ बेगम, आप इसे जानती हैं? अच्छी तरह से जानती हूँ और आप लोगों को भी जान लिया, मुझे ये मालूम नहीं था
शरीफों में भी ये चालें चली जाती है। भरी बरात में आपकी साजिश खुल गई। साजिश कैसी? ओहो, आपको कुछ मालूम ही नहीं। आपने जाहिर किया था कि सईदा आपकी बेटी है और वो लड़की इस चुड़ैल की है। आप लोगों ने इस कदर हमें धोखा दिया, हमारी इज्जत बर्बाद करना चाहिए। मैं अपने लड़के की यहाँ शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। इसलिए कि सईदा जीनत की बेटी है। जीनत की लड़की तो सिर्फ नाम की है, वरना हमने खुद सईदा को पाला पोसा है। आपको कुछ मालूम भी है कि सईदा के बाप का पता नहीं? मगर इसने अपने शोहर का नाम शराफत हुसैन जो बताया था। ये कमबख्त यही तो चाल चलती है, उस मरहूम का नाम लेकर अपने गुनाह छुपाया करती है। मगर ये आप कैसे कहती हैं कि सईदा शराफत की लड़की नहीं? शराफत मेरा देवर था और ये उसकी बेवा है। ये डायन तो उसे आते ही खा गई और उसके मर जाने के बाद कहीं और मुंह काला करके ये लड़की पैदा की। बीवियों, सुन लिए आप लोगों ने इसके करतूत? तो इसमें सईदा बेचारी का क्या कसूर? वो अपने पैदा होने की जिम्मेदार तो नहीं? इस फेल की जिम्मेदार तो जीनत है। कोई भी हो, मैं जानबूझकर कुएं में नहीं गिरना चाहती। जिस औरत ने हमारे खानदान की इज्जत पर इतना बड़ा धब्बा लगाया हो, मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बनाऊं, भूली हुई बदनामी को फिर से ताजा करके खानदान में थूथू कराऊं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। बारात वापस जाएगी। जीनत, मैंने तुझे एक शरीफ औरत समझकर अपने घर में पना दी थी। मुझे ये न मालूम था कि तू ऐसी आवारा बच्चलन औरत है। चली जा यहाँ से, मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहती। कमबख्त, तेरी वजह से मुझे भरी महफिल में बेइज्जत होना पड़ा। तूने सईदा की जिंदगी खराब की, तेरी ही वजह से आज उसकी बारात वापस जा रही है। बीबी, अब सईदा का क्या होगा? मैं कहती हूँ फौरन यहाँ से चली जा, ताकि तेरा मनहूस साया सईदा पर न पड़ सके। जाती है कि नहीं? बीबी, मैं सईदा को छोड़कर कहाँ जाऊँ? सईदा से तेरा कोई वास्ता नहीं। मैंने उसे 15 बरस अपनी बेटी बनाकर रखा, अब वो मेरी बेटी है। बीबी, मैंने भी तो माँ होते हुए 15 बरस आया बनकर गुजार दिए, ताकि मेरी बच्ची मेरे सामने रहे। अब मैं उससे किस तरह जुदा हो सकती हूँ? अगर तू उससे जुदा नहीं होना चाहती तो सईदा को भी तेरे साथ ही निकाल दूंगी। खुदा के लिए ऐसा जुल्म न कीजिएगा। अगर वाकई तुझे सईदा से मोहब्बत है तो आइंदा उसे कभी अपनी सूरत न दिखाना, और ये समझ ले कि तू उसके लिए मर चुकी। बीबी, अब ऐसा ही होगा। तो अभी चली जा। दीदी, एक मरते सईदा से मिल तो लेने दीजिए। यह हरगिज नहीं हो सकता। सिर्फ आखिरी मरतबा अपने बच्चे को देख तो लो, फिर आप कभी मेरी शक्ल न देखेंगी। सईदा को ये तो न बताएगी कि तू उसकी माँ है? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं कसम खाती हूँ। अच्छा, यहीं ठहरो, मैं भी तुम्हें बुलाती हूँ। रो नहीं, क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं, जीनत जा रही है। जीनत जा रही है? कहाँ जा रही है? अपने घर। जीनत, क्या हुआ आया? दीदी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बहुत दूर जा रही हूँ। तुम तो कहती कि तुम मेरे साथ चलोगी, ऐसा नहीं थी, पर अब ना जा सकूंगी। तुम्हें अपनी बेटी याद आ गई? आया, नहीं बेटी, इसका जाना बहुत जरूरी है। आया,
مطلب یہ کہ جو لڑکی آپ شرافت کی نہیں سمجھتے وہ شرافت کی لڑکی ہے. میں اسے ہرگز نہیں مان سکتا. چلو افسر یہ شادی نہیں ہو سکتی. حاجی صاحب بڑا واپس لے چلیے. بھائی جان اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ میں کہتا ہوں یہ شادی نہیں ہو سکتی. چلو جی. اچھا تو بھائی صاحب آپ صاف صاف سن لیجیے. ان آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے. انہیں آنکھوں نے شرافت کو گھوڑے پر سے گرتے ہوئے دیکھا ہے. انہیں آنکھوں نے شرافت کو بیماری کے حالت میں دلہن کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہی ان کی موت کا باعث تھا. میں کہتا ہوں تمہارے پیدل پن کی باتوں سے زینت کی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ٹھہریے بھائی جان. اگر آپ کو ایک پاگل کے کہنے کا یقین نہیں تو شرافت کی ڈائری تو یاد ہوگی اور یہ بھی یاد ہوگا کہ انہیں ڈائری لکھنے کی عادت تھی. لیجیے دیکھیے. اب تو آپ انصاف سے کہیے کہ زینت بیچاری بے گناہ ہے یا نہیں. آپ کو غلط فہمی ہے بھائی جان. یہ مرے ہوئے شوہر کی نشانی ہے. زینت تم بے گناہ ہو. تم بے گناہ ہو. یہ شادی ہوگی ضرور ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینت بیگم مبارک ہو. سعیدہ کی شادی اختر سے ہو گئی. میں بہت شرمندہ ہوں. ہماری وجہ سے تمہیں ان تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی. مجھے معاف کر دو. شکر ہے سر سے الزام تو ہٹا. یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تکلیف کیسی؟ ابھی میرا وقت ختم ہو چکا. بڑا غضب ہوگا. جلدی سے اندر چلیے. سعیدہ کو جلدی سے بلوا لیجیے. زینت میں کس منہ سے معافی مانگوں؟ ہماری آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے. ذرا سی غلط فہمی سے تم بدنام ہوئے. در در کی خاک چھانا. تم پر کیا کیا ظلم نہ ہوئے. اور آج ہماری وجہ سے تمہیں یہ بھی دیکھنا پڑا. پھر افسوس. میں اپنی غلطی پر بہت نادی ہوں. بہت شرمندہ ہوں زینت. بھائی جان مجھے شرمندہ نہ کیجیے. اب مجھے مرنے کا کوئی غم نہیں. میں بہت خوش ہوں کہ مرنے سے پہلے میرے دامن کا ڈھبا ڈھل گیا. سعیدہ میری امی آج 15 برس کے بعد ماں سن رہی ہے. امی آپ کو کیا ہو گیا؟ میری بچی مجھے کچھ نہیں ہوا. بیٹی یہ میرے باپ کی نشانی ہے. جب تو سسرال جائیے تو اپنے باپ کی قبر پر ضرور جانا. ماں میرا سلام. ماں
माँ आपको क्या हुआ? जो तू कहानी सुना करती थी ये उस कहानी का आखिरी अंजाम।